अक्टूबर के अंदर वो आएंगे, वो बैठेंगे, वो फैसले करेंगे, वो बेंच बनाएंगे। हमने तो कोई एतराज नहीं किया। वो ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ये एतराज मैं कह रहा हूँ, उनको छोड़े ना, उनको छोड़े इंतजार कर रहे हैं, बाद में 8 फरवरी का इलेक्शन खुल जाएगा। शेख साहब उसको भाई अगर वो बेईमान नहीं है, उनको छोड़े, अगर करप्शन नहीं की, अगर वो वाकई जीते हुए खोले हल्के, मुझे एक मौका, मैं ये कह रहा हूँ उनको छोड़ देना। उन्होंने तो ये कह दिया, आप उस पर टिके रहे कि अगर जस्टिस मंसूर साहब या उसके बाद सारे जो जजेज हैं वो पाकिस्तान की आइन के सर बुलंदी के लिए काम करेंगे, उनके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, वो पाकिस्तान का जो सारा निजाम है उसको बहुत अच्छे तरीके से चलाएगी, तारीख और बात बताएगी। अगर आप अच्छे काम करेंगे पूरी दुनिया कोई तो बात हो रही है ना। अगर फिर से देखें, अब मशीर आलम साहब जो हैं उन्होंने एतराज यह किया कि मेरे खिलाफ इतनी खौफनाक कंपेन चली है, मैं ये उदा कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूं। अब मशीर आलम साहब बड़े नामवर जज थे, उन्होंने बड़े बड़े फैसले किए हैं, यहाँ पे इवन फैजाबाद धरने का फैसला भी उन्होंने किया। तो ऐसा जज अगर अपॉइंटमेंट नहीं ले रहा और उसे सोशल मीडिया के खौफ से नहीं ले रहा, तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि आने वाले दिनों में फैसला कैसे होगा। फिर उनका एक लेटर सर्कुलेट हो रहा था, मैंने लेकिन पढ़ नहीं सका, मुझे टाइम नहीं मिला। तो अगर यही रीजन दी है तो मेरा ख्याल है रीजन उन्होंने यही दी, अगर मेरा ख्याल है फिर ऐसे बंदे को तो जज होना ही नहीं चाहिए जो डर जाए, पहली बात किसी भी बात से। अब तो सारे ड्राई हुए आप हर जगह पर। जावेद चौधरी साहब, मैं आपको एक बात बताऊं बात यह है कि ये जज ही क्यों सिलेक्ट हुए? मुशीर आलम साहब ने क्या किया? तो जैसे कोसा साहब को उदैबिया पेपर जैसे उमर फैसला दिया। सुने सुने सुने, मैं गुजारिश कर, गुजारिश करूँ ना मैं आपको, चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस तो आते हैं, एक बात मुझे बताएं क्या खूबी है दो तीन मौजूद जज साहबान की? मकबूल बाकर साहब हैविंग रिस्पेक्ट, मेरा उनसे बड़ा जाती अच्छा ताल्लुक है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव बने एक सूबे के, काश के वो तीन महीने बाद कहते हैं अब इसके बाद अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मैं जा रहा हूं, जिसको दिल करे लगा दें, नहीं गए। दूसरी बात, उनकी जिम्मेदारी थी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, कराची की सारी सीटें हम जीते हैं, जिस तरह फॉर्म 47 बनाए गए वो जिम्मेदार नहीं थे क्या? वहां जो कुछ हुआ हमारे लोगों के साथ उठाए गए, जेलों में बंद किए गए, आपको और जो कुछ मकबूल बाकर साहब भी आपके लिए काबिले कबूल नहीं है? सख्त एतराज है, क्योंकि उन्होंने बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव जो उनकी जिम्मेदारियां थी वो पूरी अदा नहीं की। नंबर टू, जस्टिस मशीर आलम साहब ने पीसीओ पे हल्फ नहीं उठाया था, आपको याद है? नंबर टू पे डट गए, वो एतराज कर गए हैं इसलिए मोतरज हो गए हैं, मैं उनकी बात पे नाम नहीं लेता। खौफजदा हो गए, डर गए भाई, वो तो पीसीओ पे मैं पीसीओ पे चले, वो मैं समझता हूँ कि फिर इसका मतलब है कि उन्होंने ये समझा कि अगर एक जज के ऊपर ट्रस्ट नहीं है लोगों का तो अच्छा किया वो चले गए। मैं उसके बाद दूसरे जज पे आता हूँ, जो जस्टिस तारिक मसूद साहब, हैविंग रिस्पेक्ट मेरा उनके साथ जाती बहुत अच्छा ताल्लुक है, मगर मैं उनसे पूछता हूँ कि आज आप बतौर जज आपने मिलिट्री कोर्ट ट्रायल में जो फैसले किए, मिलिट्री केसेस में बतौर जज वहां बैठे थे और उस इनकार करने के बाद आप अपीलेट फोरम में आप बैठे, आपके ऊपर शदीद एतराज आता है, आपने मौजूदा चीफ जस्टिस के साथी समझे जाते हैं, आपके ऊपर शदीद एतराज आते हैं, आपको बैठना आना चाहिए वापस इन हालात में, लिहाजा ये माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में कन्वर्ट करने के लिए उनको लाया जा रहा है। फिर जो नेक्स्ट जज का इजहार कर रहे हैं सर, आप नेक्स्ट जज का इजहार कर रहे हैं, सुने इस तरह से जज है जो मजहर आलम मियां खेल साहब 97,000 केसेस में कन्वर्ट, मजहर आलम मियां खेल साहब, देखें मैं इनसे बात, इनकी बात से इत्तेफाक करता हूं जहांगीर जदून साहब की, लेट दिस मैटर बी डिसाइडेड बाय द कमिंग चीफ जस्टिस, उनकी जिम्मेदारी है ना कि वो इन सारे केसेस को खत्म करें। अगर वो समझते हैं कि हमें तीन जजेस की जरूरत है तो वो एक साल के लिए लेंगे ना। अच्छा, आपके केस खत्म हो गए, कमीशन में जाएगा ना जी, वहां पे एतराज कर लें सर सिटिंग जजेस। सुने, अगर आपके अच्छा मजहर आलम मियां खेल साहब की क्या खूबी बताई जा रही है, अभी अपेलेट ट्रिब्यूनल के चेयरमैन है सिटिंग, आप रिटायर्ड को लगा लगा के जो अल्लाह के पास जाने वाले लोग हैं, आप यूथ को क्या पैगाम दे रहे हैं? आप 10-10 लाख 15 लाख उधर से लें, 15 लाख रुपया आकर के यहाँ मरात लें। वैसे जो अल्लाह के पास जा रहे हैं वो ज्यादा बेहतर होते हैं, उनको पता होता है कि बस काम अगर अल्लाह करे वो बेहतर हो तो वो अल्लाह अल्लाह करे ना। देखें यूथ बैठी हुई है, आप इंस्टीट्यूशनल सुने सर, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करनी है तमाम हाई कोर्ट्स में। सारे लोग जो है ना, माजत चाहता हूँ, सारे इमरान खान साहब से छोटे हैं वैसे, अल्लाह का शुक्र है वो आप और मेरे से ज्यादा यंग, माशाल्लाह ज्यादा एनर्जेटिक और ज्यादा परफॉर्म करने वाले। एक बात सिर्फ कर दूं, सर ये भी परफॉर्म करने वाले जजेस हैं सर, कमाल। एक बात सिर्फ कर दूं, वो मैं कह रहा था कि जस्टिस मजहर आलम मियां खेल साहब ही क्यों उनको नजर आते हैं कि अपीलेट ट्रिब्यूनल के वो जज। वैसे आप सजेस्ट कर दें सर चार जजेस, कोई मेरे से अगर पूछेंगे ऐसे जजेस मैं सजेस्ट कर दूंगा जिन जजेस के ऊपर मुखालिफ भी उंगली नहीं उठा पाएगा, मैं दूंगा ना आपको, बशर्ते कोई फोरम मेरे से पूछे। सोचने तो देना, पाकिस्तान में अब एक शख्स भी बचा
जिसके ऊपर सब कुछ ट्रस्ट हो, क्या हम ये हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर सर? बहुत कि बड़े जजेस हैं, बहुत सर, बड़े आपने इमाम मस्जिद भी लगाना उस पर एतराज कर रहे थे लोग, ऐसी कोई बात नहीं है। बात एक बात सिर्फ आपको बता दूं, जिस अंदाज से इस वक्त आईन की पामाली हो रही है, जिस वक्त इन हालात में सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने की साजिश हो रही है, जो इन हालात में इस वक्त इंसाफ के निजाम को लोगों के लिए मुश्किल बना रहे हैं, ये ख्याल है कि तकसीम है क्या? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नहीं समझते, तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तकसीम इस वक्त नहीं है वो। देखिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अलग बात है, लेकिन इस फैसले से तकसीम करके आप मुल्क को अब अगर ये मौका दें तो जी आप मतलब शुएब साहब हमारे दोस्त हैं, लॉयर हैं और रिप्रेजेंट करते हैं, आप इस सारी जो गुफ्तगू जितनी होती है उसके अंदर आपको यही वर्ड्स नजर आएंगे। आपने पूछा चार जज नहीं बता सकेंगे, वो इसलिए नहीं बता सकेंगे, मैं सोच समझ के बताऊंगा, मैं इधर आकर के बता दूं, एमए बता दूं, नहीं नहीं वो इसलिए नहीं बता लेना चाहिए कि हमने पाकिस्तान की पूरी सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोवर्शियल किया हुआ है, हमने हर हाई कोर्ट को कंट्रोवर्शियल किया हुआ है, हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट कंट्रोवर्शियल किया हुआ है, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर हमारी फेवर के अंदर चीजें आती हैं तो बिल्कुल ठीक है, नहीं आती तो नहीं ठीक है। अब आप ये देख लें कि पिछले 2-2.5 साल के अंदर जो है किसी एक जज के ऊपर इन्होंने ट्रस्ट किया हो कि जी मुझे फलां जो पाकिस्तान का जज है उसके ऊपर बिल्कुल ईमानदारी है और वो बिल्कुल काम कर रहा है, वो नहीं करेंगे। वो इसलिए नहीं करेंगे कि चूंकि हो सकता है कल को वो चीज सामने आ जाए। अभी आप देख लें कि पिछले 4 चीफ जस्टिस हैं, जो चीफ जस्टिस आने लगता है हर पॉलिटिकल पार्टी समझती है कि इससे बेहतर आदमी कोई नहीं होगा, और जो ही वो सीट पे बैठता है उसके मुतल्लिक अब बात हो रही है जस्टिस मंसूर की, चीफ जस्टिस को छोड़े इलेक्शन कमिश्नर जो भी है, नहीं इलेक्शन कमिश्नर का तो मामला ये है कि वो गिव एंड टेक, नहीं वो तो जराइम की आमाजगा बना हुआ है, आपने फैसला किया था सर, करप्ट प्रैक्टिसेस वहां हो रही है, इन्होंने जो फैसला किया है, इन्होंने जो फैसला किया है इलेक्शन कमीशन और बार्गेनिंग के अंदर ही किया है ना, जस्टिस मंसूर साहब पे आए जो, अच्छा अब जस्टिस मंसूर साहब पे अल्लाह करे ये इस पे टिके रहे कि अक्टूबर के अंदर वो आएंगे, वो बैठेंगे, वो फैसले करेंगे, वो बेंच बनाएंगे, और तो वो एतराज नहीं किया, नहीं वो हज आसिफ ने कहा है कि ये एतराज मैं कह रहा हूँ, उनको छोड़े ना, उनको छोड़े ना, इंतजार कर रहे हैं, बाद में 8 फरवरी का इलेक्शन खुल जाएगा, शहब साहब उसको भाई अगर वो बेईमान नहीं है, उनको छोड़े, अगर करप्शन नहीं की, अगर वो वाकई जीते हुए खोले हल्के, मुझे एक मिनट एक मौका, मैं ये कह रहा हूँ उनको छोड़ देना, उन्होंने तो ये कह दी, आप उस पर टिके रहे कि अगर जस्टिस मंसूर साहब या उसके बाद सारे जो जजेज हैं वो पाकिस्तान की आईन की सरबलंदी के लिए काम करेंगे, उनके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, वो पाकिस्तान का जो सारा निजाम है उसको बहुत अच्छे तरीके से चलाएगी, तारीख और वक्त आएगी, अगर आप अच्छे काम करेंगे पूरी दुनिया, वही तो बात हो रही है ना, अगर आप गलत काम करेंगे, आज मुझे बताएं पूरी दुनिया ने सिंबल वाले केस के ऊपर, उमर अताप बंदियाल साहब आपको पसंद थे, आपने कितनी बार उनके खिलाफ तहरीकें चलाई सर, ही वाज द बेस्ट जज मगर कमजोर, सुने कमजोर डरपूक, जिसकी वजह से अपने पैसे अमल दरामद नहीं कर सका, अच्छा वेरी इंटरेस्टिंग, मगर वेरी इंटरेस्टिंग, मगर शानदार लेखन डरपूक, नहीं नहीं इन फैसले मगर अमल दरामद नहीं कर सका, चलिए साहब एक सेकंड, मगर उससे आगे चलूं, एक बात तो कर लेने देना, एक सेकंड, हम तीनों है ना, हम पिछले 5 चीफ जस्टिस इनसे पूछे कि जस्टिस अनवर जहीर जमाली जो चीफ जस्टिस थे उनके बारे में इनका क्या व्यू है, वो इनका अच्छा ख्याल, बहुत अच्छे, नहीं अच्छे जज थे, अच्छा 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 उसके बाद, अच्छा उसके बाद साकिब निसार साहब आए, उनके बारे में क्या व्यू है, और जब अनवर जहीर जमाली साहब वाला आपको पता है कि जब वो मामला आया था तो उनकी छुट्टी का कोई इशू था तो सारी तोपें उसके पीछे लग गई थी, बड़ी कंपेन, उसके बाद साकिब निसार देख ले, उसके बाद आसिफ सईद खोसा साहब वाला मामला देख लें कि किस तरह एबटाबाद के अंदर जलसों के अंदर तकरीरें गई गई कि पाकिस्तान का सारा निजाम जो है वो चोक हुआ हुआ है और अदालतें उसके अंदर कर रही हैं, उसके बाद फिर आप बंदियाल साहब वाला देख ले, फिर इन्हीं का जो सारा था कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जब बनेंगे तो इस मुल्क के अंदर जो है वो रूल ऑफ लॉ होगा, वो बड़ा अपराइट आदमी है, उससे बेहतर बंदा कोई नहीं है, ये सारे स्टेटस सेन है, और आज ये देख लें कि आज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल जो है वो किया हो, अभी जस्टिस मोस्ट कंट्रोवर्शियल उन्होंने अपने फैसलों से खुद अपने आप को किया है, हमने दुनिया ने एतराज किया इसे, हमने फैसला करेंगे फिर आप एतराज कीजिएगा कि ये गलत भाई क्यों कर रहे हैं, इसका बॉटम लाइन ये है, जो इसका बॉटम लाइन ये जो 3 जज नए अपॉइंट हुए थे ना जी, उनके ऊपर भी एतराज था सबको, नहीं देखिए
नहीं जो चीफ जस्टिस लगे हैं लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उनके ऊपर इन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी वहाँ पे सीनियोरिटी चाहिए ठीक आई ना। और अभी साहब ने हर जमाने में खुद बात यदि बॉटम लाइन ये न्यूट्रलिटी है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेरिट वाले जज को और जो न्यूट्रल जज उसको पसंद नहीं करते हम करते हैं नहीं आपके खिलाफ फैसला क्या कभी पसंद नहीं करें हाँ। नहीं फैसला नहीं, ये हकीकत है कि ये आपको मानना पड़ेगा। पिशावर हाई कोर्ट ने हमारे खिलाफ फैसला दिया नहीं, 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 हमने एक लफ्ज नहीं बोला आप तो बाद में लेकिन अगर आप बोला आप ना ना उनके फाइव मेंबर्स बेंच का फैसला था इन्होंने अमल किए अमल का क्या मतलब है सुप्रीम कोर्ट में आ गया हमें स्टे मिल गया हमें स्टे मिल गया सुप्रीम कोर्ट में आए। देखिए एक और बात और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मेरी बात सुनिए नहीं नहीं सुप्रीम कोर्ट ने तो 6 मई को दिया था ये दो चीजें बड़े यूनिवर्सल है एक जिसके पास ताकत होती है वो कानून नहीं मानता और आज भी वही पोजीशन है चाहे वो ताकत किसी पार्टी के पास हो वो कानून नहीं मानती चाहे वो ताकत एस्टेब्लिशमेंट के बाद हो वो कानून नहीं मानती। देखिए जिनके हक में फैसला आता है रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि आपके अगेंस्ट फैसला आता है आप उसको खुशी से एक्सेप्ट करें। कोई पोलिटिकल पार्टी में ऑनेस्ट अक्रॉस द बोर्ड कहता हूं कोई भी पोलिटिकल पार्टी यही चाहती है कि ये जज हमारे हक में जब फैसला करेगा तो ये सबसे बड़ा मेरिट वाला जज जब उसके अगेंस्ट फैसला आएगा तो उसी दिन उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूं जस्टिस अतर मिनुल्लाह जस्टिस शहजाद मलिक गेबा इन्होंने दो जजों ने सबसे पहले नवाज शरीफ के हक में फैसला किया ठीक और इन्होंने एक इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर सजा सस्पेंड की और एक लाहौर और एक लाहौर के अंदर शहबाज शरीफ को आज वही पार्टी इन दोनों जजों के खिलाफ है। बिल्कुल सही मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूं आज वही पार्टी इन जजों के खिलाफ है उसकी वजह यह है कि आप देखो किस कोई जज जो है हमें नहीं मालूम कि कोई किसी पोलिटिकल पार्टी का कोई इंडिविजुअल हुआ या उसके साथ कोई फिलेशन हो जज देखे ना जब मेरिट फैसला करते हैं अब रिजर्व सीट पे देखें जी बड़ी रिजर्वेशन है पार्टी उसके लेकिन रिजर्व सीट पे देखे ना आपने पूरी कोर्ट बैठा दी है अब पूरी कोर्ट के खिलाफ कौन सी पार्टी हो जाएगी जिस देखें आप अगर रिजर्व सीटें उन्होंने दे दी है उनको तो आप उस पर अमल दरामद करें। आज खबरें आ रही हैं जी वो जी इंप्लीमेंट नहीं करेंगे जी ये नहीं होगा प्लान बी आ रहा है प्लान सी आ रहा है तो इसका मतलब है चीजें किसी और जगह से मैनेज हो रही है जिसके पास ताकत है वो कानून मानता नहीं है जिस आप अगर इनके पास सोशल मीडिया की ताकत है ये भी नहीं कानून मानते हो सकता है। देखे सोशल मीडिया की जिसके पास ताकत है वो भी मैनेज कर रहा है चीजें ठीक है वकला की जिनके पास बारों की ताकत है वो भी मैनेज कर रही है अगर गवर्नमेंट उनको मैनेज कर सकती है कोई एस्टेब्लिशमेंट है वो मैनेज कर सकती है कोई जो ताकत वाला बंदा है ना वो कानून वैसे जरूर साहब मैंने आपके पास सवाल छोड़ना ब्रेक लेनी है सवाल ये है कि ये गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो पाबंदी लगाना चाह रही है अब मेरा ख्याल है वहां पर कोई डिवीजन आ रही है ये लगाना चाह रही है नहीं लगाना चाह रही लग सकेगी और अगर लगेगी तो कैसे लगेगी छोटे से ब्रेक को ब्रेक के दोबारा जरूरत